नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हेलो साथियों, आज की वीडियो में हम लाए हैं सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचना वीर सत्सई के 100 से भी अधिक परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। इसके साथ ही सेकंड ग्रेड विषय हिंदी से तैयारी कर रहे साथियों के लिए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत प्रमुख रचनाएं, जिसमें लहरों का राजहंस, उजाले के मुसाहिब, पूस की रात के प्रश्न संकलन वीडियो हमने डाल दिए हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और इसी प्रकार के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए कवि परिचय देखते हैं। सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी राजस्थान में हुआ था। आपके पिताजी का नाम चंडीदान था। आपके माताजी का नाम भवानीबाई कुम्हारिया था। आपके दत्तक पुत्र का नाम मुरारीदान था। आपके गुरु का नाम स्वरूप दास था। सूर्यमल मिश्रण की प्रसिद्ध रचनाएं देखते हैं। वंश भास्कर, छंदोमयूक, वीर सत्सई, राम रंजाट और सती रासो आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सूर्यमल मिश्रण ने 10 वर्ष की आयु में किस ग्रंथ की रचना की थी? उत्तर, राम रंजाट। सूर्यमल की प्रतिष्ठा का आधार स्तंभ ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, वंश भास्कर। बूंदी के राव राजा राम सिंह के शिकार और यात्रा का वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? उत्तर, राम रंजाट में। वंश भास्कर के अपूर्ण अंश को किसने पूरा किया था? उत्तर, मुरारीदान ने, जो कि इनके दत्तक पुत्र थे। बूंदी राज्य का इतिहास सूर्यमल मिश्रण की कौन सी रचना में वर्णित है? उत्तर, वंश भास्कर में। वीर सत्सई में कुल कितने दोहे हैं? 713, 700, 526 या 288? उत्तर, 288। वीर सत्सई में प्रधान रस कौन सा है? वीर रस, श्रृंगार रस, विभत्स रस, भयानक रस। उत्तर, वीर रस। वीर सत्सई में मंगलाचरण हेतु सर्वप्रथम कवि किनकी प्रार्थना करता है? वीणापाणी, गणेश जी, श्री राम जी, हनुमान जी। उत्तर, गणेश जी की। वीर सत्सई के अंतर्गत वाणी जगराणी शब्द किनके लिए आया है? उत्तर, मां सरस्वती के लिए। वीर सत्सई में लगभग सभी दोहों में कौन सा अलंकार निहित है? उत्तर, वयन सगाई अलंकार। वयन सगाई अलंकार हैं अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर है शब्दालंकार। विकम वर्षा बीतियो गणचौ चंद गुणीस पंक्तियों में किस वर्ष का उल्लेख हुआ है? उत्तर, विक्रम संवत 1914। सूरा आलस एस में अकज घुमाई आव पंक्ति में आव शब्द का क्या अर्थ है? आन, गहना, आयु, घोड़ा। इसका उत्तर है आयु। जे दोही पख उजड़ा जूजन पूरा जोद पंक्ति में दोही पख से क्या आशय है? उत्तर, दोही पख से आशय है दोनों पक्ष, यानी कि मातृपक्ष और पितृपक्ष। कंगल शब्द का आशय है धड़, कवच, कंगन, अस्त्र शस्त्र। इसका उत्तर है कवच। दमंगल वीणा अपचौ दीणा वीर धनीरो दान दोहे में निहित भाव क्या है? उत्तर, स्वामी भक्ति का भाव। डाकी ठाकर रो रिजक ताखा रो विष एक
रेखांकित पदों का क्या अर्थ है? उत्तर, रिजक शब्द का अर्थ है जीवन वृत्ति अर्थात रोजी रोटी और ताका शब्द का अर्थ है तक्षक सर्प। राजस्थानी परंपरा में सुहाग का प्रतीक है मोली, श्रृंगार, लहरियों, चूड़ा। इसका उत्तर है चूड़ा। मायड़ खाए दिखाए थन पंक्ति में मां वीर पुत्र से संकेतार्थ क्या कह रही है? उत्तर, मेरे दूध की लाज रखना। दणपण वलय बताए पंक्ति में दण शब्द किसके लिए आया है? उत्तर, वीर पत्नी के लिए। दणपण वलय बताए पंक्ति का संकेतार्थ क्या है? उत्तर, मेरे चूड़े की लाज रखना। सहनी सबरी हूं सखी दो उर उल्टी दाह रेखांकित पंक्तियों में वीर शत्राणी क्या नहीं सहन कर सकती हैं? उत्तर, पति और पुत्र की कायरता। शत्रु पक्ष के भागने पर वीरांगना क्या सजाने की बात करती हैं? उत्तर, मोती थाल। निज भगा तो ना हरो सात न सुनो टाल पंक्तियों में किस प्राचीन परंपरा का उल्लेख है? उत्तर, सती प्रथा का। वीर पत्नी किस अवसर पर जान गई कि उसका पति उसके चूड़े को कभी लज्जित नहीं करेगा? उत्तर, पाणी ग्रहण के अवसर पर। समली और निशंक भख जंबुक राह में जाह समली और जंबुक शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, समली का अर्थ है चील और जंबुक का अर्थ है गीदड़ या शियार। समली और निशंक भख जंबुक राह में जाह वीर पत्नी ये पंक्तियां किसे संबोधित कर कह रही हैं? उत्तर, चील को। नयन बिनट्ठा नाह पंक्ति में नाह शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, पति। बिन दामा बिलसे सदा दामा दुर्लभ नाग पंक्ति में नाग शब्द का क्या अर्थ है? सर्प, स्वर्ग, हाथी, चील। इसका उत्तर है हाथी। वीर पत्नी किसको कहती है कि तूने मेरे साथ छल किया है? उत्तर, कलालिन को। पत्नी ने पति को दुबारे की शराब क्यों पिलाई? उत्तर, रति क्रीड़ा का आनंद हेतु। पति शराब के नशे में मस्त हो किसका चौगुना स्मरण करता है? उत्तर, युद्ध का। एक डंकी घिन एकरी भूले कुल साभाव सूरा आलस एस में अकज गुमाई आव इस दोहे में भारतीय वीर क्या भूल गए हैं? उत्तर, वीरोचित स्वभाव। सूरा आलस एस में अकज गुमाई आव पंक्तियों में कवि के अनुसार वीरों ने व्यर्थ में क्या खो दिया है? उत्तर, आव अर्थात आयु या अपना जीवन। कवि सूर्यमल मिश्रण ने वीर सत्सई को कैसा बताया है? उत्तर, वीर भक्षिणी। वीर सत्सई को कायरों के लिए किसके समान बताया है? उत्तर, कांटे के समान अर्थात कष्ट देने वाली। जीवन धन बाला जी का पंक्ति में धन शब्द का क्या अर्थ है? चूड़ा, पति, पत्नी, बेल। इसका उत्तर है पत्नी। कवि के अनुसार कौन से रस में काव्य के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं?
उत्तर वीर रस में। जपे बड़खानी जठे सुने कायरा साल, पंक्तियां किस रचना के बारे में आई हैं? उत्तर वीर सत्सई के बारे में। कवि के अनुसार वीर सत्सई को सुनते ही शूरवीरों में कितने गुना शौर्य प्रदर्शन की प्रेरणा मिल जाती है? उत्तर 100 गुना। दूध लजाणो पूत सम वलय लजाणो नाह, वीरांगना ये पंक्तियां किसे कहती हैं? उत्तर सखी को। नयन बिनट्ठा नाह पंक्ति में नाह शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर इसमें नाह शब्द का अर्थ है पति। किस कारण वीरांगना को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा पति कभी भी मेरे चूड़े को लज्जित नहीं करेगा? उत्तर तलवार की मूठ से बने निशान देखकर। जीवन धन बालहा जी का छोड़ो जहर समान पंक्तियों अनुसार शूरवीरों को किससे जहर के समान समझकर छोड़ देना चाहिए? उत्तर स्वामी का अन्न। सहनी सबरी हूं सखी दो उर उल्टी दाह, पंक्ति अनुसार वीरांगना किन बातों को सहन नहीं कर सकती हैं? अ यदि पति उसकी चूड़ियां लजा दे, ब यदि पुत्र उसके दूध को लजा दे, स अ व ब दोनों और द केवल अ। इसका उत्तर है स अ व ब दोनों, यानी कि यदि पति उसकी चूड़ियां लजा दे और यदि पुत्र उसके दूध को लजा दे, ये दोनों बातें वो सहन नहीं कर सकती। समली और निशंक भख जंबुक राह में जाह, पंक्ति वीरांगना किसे संबोधित कर रही है? उत्तर चील को। गणवे गांव तुजगुण पंक्ति में गणवे शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर गणवे का अर्थ है गणपति गजानंद। वाणी जगरानी वले मैं चिंतानी मूड, पंक्तियों में मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उत्तर मैं शब्द स्वयं कवि के लिए आया है। कवि अनुसार वीर सत्सई रचना किस छंद में रचित है? उत्तर दोहा छंद में। वे भी सुनता ऊपणे पूरा वीर प्रमाण, इन पंक्तियों में वे शब्द किनके लिए आया है? उत्तर वे शब्द कायरों के लिए आया है, यानी कि जिनमें वीरत्व नहीं है। सुनता वे बड़ 100 गुना वीर प्रकाशन बोध, इन पंक्तियों में वे शब्द किनके लिए आया है? इसमें वे शब्द शूरवीर योद्धाओं के लिए आया है जिनके की दोनों पक्ष उज्जवल हो। जीवन धन बालहा जी का पंक्ति में बालहा शब्द का क्या अर्थ है? बेल धन प्रिय अवस दोनों। इसका उत्तर है प्रिय। वीर सत्सई अनुसार डायन किस प्रकार भक्षण करती है? उत्तर कुदृष्टि डालकर। वीरांगना अपनी सखी से कितनी बातें सहन नहीं कर सकने की बात करती हैं? उत्तर 2 बातें। वंश भास्कर के अपूर्ण अंश को किसने पूरा किया था? उत्तर मुरारीदान ने, जो कि इनके दत्तक पुत्र थे। इसी प्रकार के सेकंड ग्रेड से रिलेटेड अन्य वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।